नमस्कार, मैं हूँ सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। मैं 2020 से लगभग कोविड से इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, एनिमल्स एक्ट से, और लगभग 25 से 30 डॉग्स को मैं रोज़ फीड कराता हूँ, शाम को और सुबह भी। और मेरा इन डॉग्स के साथ बहुत अच्छा प्यार भरा संबंध है, और उनको दवाइयाँ दिलवाना और उनको रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाना और उनकी मदद करना डॉग्स की, उनको पानी वगैरह मुहैया करवाना, सेवा करना, मेरा ये मिशन है। बड़ा अच्छा मिशन है आपका। तो ये आप लगभग जो कर रहे हैं, इनमें जैसे एक्सीडेंट हो जाता है डॉग्स का, आपको पता चलता है, तो आप अपने स्तर से क्या करते हैं? अगर किसी डॉग का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको क्लिनिक में ले जाते हैं, वहाँ जितनी भी उसकी सेवा शुश्रूषा हो सकती है वो उसकी पूरी करते हैं और उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं, और वो पेमेंट हमारी जेब से ही आता है। हम किसी एनजीओ के तरफ से नहीं जुड़े हुए हैं, अपने ही लेवल पे हम उनकी जितनी भी सेवा हो सकती है वो करने का प्रयास करते हैं। देखो कितना अच्छा ये जनहित का कार्य कर रहे हैं। एक बार और अपना परिचय दे दीजिए, फिर मैडम खड़ी है, फिर उनसे बात करते हैं। राजकुमार, सेक्टर 37 493 नंबर में हम रहते हैं, और हमारे घर में भी 5 डॉग्स हैं, और वो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, कोई बाहर के कोई इस तरह के डॉग नहीं है, उनकी सेवा में हम लगे रहते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन। ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैडम खड़ी है संचाली घोष, ये भी सेक्टर 37 से ही और एनिमल्स के लिए, बेजुबानों के लिए काम कर रही है, जानते हैं इसे। हाँ जी मैडम, आप ये कितने साल से काम कर रही है गरीब इनके बेजुबान जानवरों के लिए? मैं 2010 से ये काम कर रही। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि लगभग कितने जानवर ऐसे हैं बेजुबान जिनके लिए आप सेवाएँ कर रही हैं सुबह शाम? इधर बहुत सारे जानवर है, लोग बाहर से भी छोड़ रहे, तो हम लोग सारे डॉगों को स्टेरिलाइज करवा रहे, ट्रीटमेंट करवा रहे, खाना खिला रहे, लेकिन हमें जस्ट एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, जो इधर का लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये परेशानी हमें कोई ना करे, बस हम लोग अच्छा से जानवरों को अच्छा से पानी फीडिंग सब कुछ दे सके, यही हमारी। तो परेशानी कैसी कैसी होती है, लोग कैसे कैसे आपको मिलते हैं, किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको, वो बताएंगे आप एक बार? लोग तो डंडा लेके घूमते हैं, हम लोगों को मारने के लिए आ जाते, पीटने के लिए आ जाते। आज जो ये भाई साहब मेरे साथ खड़ा है, आज भाई साहब मुझे गार्ड कर रहे हैं, जो लोग ना मुझे मतलब गंदी गाली दे कुछ करे। अभी इसी मोहल्ले पे 2 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, मेरी ग्रुप के 2-3 मेंबर मेरे साथ आई थी, बहुत ज़्यादा परेशान करते इधर लोग हमें एंड एनिमल को। देखो कितने दुखी बात है कि कुछ लोग भी आज के टाइम में भी, जबकि सबके पास खाने को रहने को मकान है, लेकिन बेजुबानों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो घर से एक एक टुकड़ा भी इनके लिए बचा ले तो मुझे नहीं लगता कि वो एनिमल्स भूखा रह जाएगा। लेकिन इस तरह की श्रद्धा और सेवा भाव सबके अंदर नहीं है, ये आपने बताया है कि लोग परेशान कर रहे हैं, जबकि कानून ये है कि एनिमल्स के लिए भी कानून है, जहाँ वो रहता है, पलता है, बड़ा होता है तो उसका एरिया माना जाता है, उसे वहाँ से कोई भी कानून नहीं हटा सकता। अगर कोई वैक्सीनेशन या स्टरलाइजेशन के लिए भी लेके जाएगा नगर पालिका वाले, तो वो वहीं पे सेफ वहीं पे छोड़ के जाएंगे, उसी जगह पे, वो हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। और इन पे क्रूरता करना भी एक कानूनी अपराध है, इनसे हमें बचना चाहिए। और हम मिले अभी एनिमल लवर सेक्टर 37 से, आगे भी आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।